स्टॉकिंग्स। कितनी ही फीमेल ऐसी होती हैं जिन्हें सेक्स के दौरान स्टॉकिंग्स पहनकर सेक्स करना पसंद होता है। जनरली तो क्या होता है कि लोग कपड़े उतारते हैं, धीरे 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 सारे कपड़े उतारे जाते हैं और फिर बाद में सेक्स किया जाता है। लेकिन ये कैसी फैंटेसी होती है कि कोई फीमेल स्टॉकिंग्स पहनकर सेक्स करती है? मतलब ऐसे क्या वजह होती है, क्या रीजन होते हैं इसके पीछे कि कोई फीमेल स्टॉकिंग पहनकर सेक्स करना पसंद करती है, इसी के ऊपर बात करेंगे। मैक्सिमम फीमेल जो कि बोल्ड होती है, स्टाइलिश होती है, हॉट आउटफिट वेयर करती है, लाइक मिनी स्कर्ट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गई, वो ज्यादातर स्टॉकिंग्स पहनना पसंद करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह के फीमेल्स को रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर की स्टॉकिंग्स पहनना ज्यादा पसंद होता है। ये स्टॉकिंग्स किसी भी खूबसूरत फीमेल के खूबसूरत लेग्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही होती है। कितने ही मेल ऐसे होते हैं जो कि स्टॉकिंग पहने हुए फीमेल्स को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं उनके प्रति। स्टॉकिंग वाले लेग्स देखकर ही वो अराउज होने लग जाते हैं, उन्हें सेक्सुअल फीलिंग आने लग जाती है। वो जितने भी फीमेल जिनको स्टॉकिंग्स वेयर करना पसंद होता है, हर तरह की वैरायटी, हर तरह के कलर में आपको स्टॉकिंग्स उनके पास अवेलेबल मिलेगी, चाहे रेड हो, पर्पल हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंट, नेट, हर तरह की वैरायटी। और वो उसे डे टू डे विद मैचिंग ड्रेस के साथ पहनना पसंद करती है। जिन फीमेल के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को ये चीज पसंद होती है, वो सेक्स से भी स्टॉकिंग पहनाकर करना पसंद करते हैं। ये चीज उनके नशे को बढ़ाती है, उनको अराउज करती है, वो प्लेजर फील करते हैं, उनकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। और अगर स्टॉकिंग नेट वाली वेयर कर रखी हो तो वो नाइट प्ले भी करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे उसके नेट्स को काटते हैं। ये चीज उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है, वहां लड़की भी मचल रही होती है, वहां वो लड़की भी अंदर अंदर मचल रही होती है, तड़प रही होती है, वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रही होती है, उसे प्लेजर मिल रहा होता है ये सोच सोच के कि यार ये मेरे नट को काट रहा है या धीरे धीरे मेरे ऊपर चाकू चला रहा है, कभी इधर कभी उधर, उस फीलिंग को एंजॉय कर रही होती है, वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रही होती है, उसे प्लेजर मिल रहा होता है। अब अगर बात करें उस फीमेल की जो कि डोमिनेंट नेचर की होती है, जो अपने पार्टनर के साथ फैमडम रोल प्ले करती है, तो वो तो स्टॉकिंग पहनती ही पहनती है। हाई हील्स, हाई पॉनी और स्टॉकिंग वाले लेग्स, ये उस फीमेल की डोमिनेंट पर्सनालिटी को उजागर कर रहा होता है। और जब वो फीमेल अपने स्टॉकिंग वाले लेग्स को अपने सबमिसिव मेल की चेस्ट पर रखती है और उसको डोरमेट बनाकर रोंदती है, तो उस वक्त वो नजारा उस फीमेल के डोमिनेंट प्रभुत्व को दर्शा रहा होता है और जिसे सबमिसिव मेल एंजॉय कर रहा होता है, प्लेजर फील कर रहा होता है। जहां हम लाइफस्टाइल की बात करें, तो कितने ही कपल ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का अटेंशन खींचने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए स्टॉकिंग्स पहनकर सेक्स करना पसंद करती है। ये चीज उनके हस्बैंड के अंदर सेक्सुअली उन्हें अराउज करने में मदद करता है, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करता है। आपने भी इस चीज को कहीं ना कहीं खुद भी नोटिस किया होगा कि मान लो अगर आप किसी पार्टी में है और वहां पे ज्यादातर फीमेल ने अगर हॉट ड्रेस पहनी हुई है, उसके बावजूद भी आपकी नजर वहीं जाके अटक जाएगी जिसने अपनी हॉट ड्रेस के नीचे ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहनी हो। भले और फीमेल अपनी लेग्स को एक्सपोज कर रही हो, स्टॉकिंग ना पहनी हो उन्होंने, फिर भी नजर जाके वहीं पे टिकेगी जिस फीमेल ने स्टॉकिंग्स पहनी हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस फीमेल के स्टॉकिंग पहने हुए लेग्स बिना एक्सपोज हुए भी एक्सपोज हो रहे होते हैं और ये चीज वहां पर जो मेल्स होते हैं उनको परेशान कर रही होती है, उनको अराउज कर रही होती है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि आधी छुपी आधी दिखी हुई चीजों का अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होता है। एक जो प्योर डोमिनेंट फीमेल होती है उसकी तो पहचान ही स्टॉकिंग्स होती है। मान लो अगर उसने मिनी स्कर्ट पहन लिया, क्रॉप टॉप पहन लिया, उसके ऊपर ब्लेजर पहन लिया, हाई पोनी और हाई हील्स के बाद स्टॉकिंग्स पहनकर वो कहीं निकल गई तो लोग कत्ल होते फिरते हैं। ऑफिस में अगर वे वर्किंग है तो ऑफिस के स्टाफ से लेकर उसके ऑफिसर तक उसको निहारने लग जाते हैं। और अगर मान लो रेस्टोरेंट में गई है तो पता लग रहा है वहां पे अगर कोई बी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की टांगों को छोड़कर उस स्टॉकिंग वाली टांगों को निहारने लग जाता है। आपने वर्चुअल सेक्स में भी इस चीज को देखा होगा या नोटिस किया होगा कि जब कोई रोल प्ले टाइप एक्ट होते हैं या फिर कोई थीम दिया जाता है तो उसमें स्टॉकिंग पहनकर सेक्स को करना भी एक थीम एक्ट होता है, जिसमें जितने भी फीमेल्स होती है सबने स्टॉकिंग वेयर कर रखी होती है या फिर हाई हील्स स्टॉकिंग के साथ उन्होंने पहनी हुई होती है, तो ये एक थीम एक्ट भी होते हैं। वो हॉट वाइफ जो अपने कपल्ड हस्बैंड को जब डोमिनेट करती है, ह्यूमिलेट करती है, तो स्पेशली उस एक्ट के दौरान स्टॉकिंग पहनना पसंद करती है ताकि उसके अंदर एक डोमिनेंट फीमेल का एटीट्यूड डेवलप हो सके और किसी को ह्यूमिलेट करने की उसके अंदर फीलिंग आ सके।
इसी तरह से कितने ऐसे क्रॉस ड्रेसर होते हैं जो कि फीमेल की तरह सजना सवना पसंद करते हैं और उनका मन करता है कि वो फीमेल की ड्रेसेस पहने, एक्सेसरीज पहने, तो वो लोग स्टॉकिंग पहनना भी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे तो ऐसे क्रॉस ड्रेसर की भरमार है जो कि स्टॉकिंग पहनकर रैंप वॉक करते हुए आपको दिख जाएंगे। अच्छा लगता है, उन्हें प्लेजर फील करते हैं, उन्हें मजा आता है स्टॉकिंग पहनने। फॉरेन में तो देखो ये प्रचलन काफी इन है, वहां पे हर दूसरी लड़की आपको स्टॉकिंग पहने हुई दिख जाएगी, लेकिन वहां पर आपको ऐसे मेल भी देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टॉकिंग पहनना पसंद करते हैं। वो स्टॉकिंग पहनकर अपने काम पर जाते हैं, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस संभालते हैं। कैन यू बिलीव इट, मैंने खुद इस तरह की वीडियोस देखी हुई है जो कि हाई हील स्कर्ट्स स्टॉकिंग्स पहनते हैं। अब आप बोलेंगे चलो ठीक है स्टॉकिंग पहनते हैं तो स्टॉकिंग तो पहनकर उन्होंने एंजॉय कर लिया, स्कर्ट क्यों पहनते हैं? तो ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टॉकिंग की फैंटेसी को अगर एंजॉय करना चाहते हैं फुल्ली, तो आप खुद सोचो ना, ट्राउजर के नीचे अगर उन्होंने स्टॉकिंग डाल ली तो उनको तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना, ना तो वो खुद को देख पा रहे हैं, ना वो चार लोगों को दिखा पा रहे हैं, तो उसके लिए वो स्कर्ट पहनते हैं, हील्स पहनते हैं, स्टॉकिंग वेयर करते हैं, और जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं कि यार कोई लड़की भी क्या चलती होगी हील में। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आपको रणवीर सिंह स्टॉकिंग पहने हुए नजर आए, बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल, उसको अगर करना होता है तो वो करता है, उसे इस डेयरिंग एक्ट करने में मजा आता है, वो एंजॉय करता है इस चीज को। अगर उसे क्रॉस ड्रेसर भी बनना पड़े तो मुझे नहीं लगता उसे कोई हेसिटेशन होगी, वो एंजॉय करता है, एक्सपेरिमेंटल है। अब कितने ही मिल्क कैटेगरी की जो फीमेल्स होती हैं, वो जब सेक्स करती हैं तो करती ही स्टॉकिंग पहनकर है। इसके पीछे देखो दो रीजन हो सकते हैं कि जो मिल्क कैटेगरी की जो फीमेल्स होती हैं कहीं ना कहीं एज हो चुकी होती है उनकी, तो उनकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी सैगिंग हो चुकी होती है, जो थाइस वाइस की जगह थोड़ा रिंकल्स आ चुके होते हैं, तो जब वो स्टॉकिंग पहनती है तो कहीं ना कहीं उनके जो लेग्स होते हैं वो टाइट दिखते हैं, रिंकल्स भी छिप जाते हैं, साथ ही साथ वो अपने पार्टनर को अपने सेक्सी लुक से, अपने इस हॉट लुक से अराउज भी कर पाती है। अब मुझे जल्दी जल्दी ये बताइए कि कितनी फीमेल्स अब स्टॉकिंग पहनकर सेक्स करने वाली है और कितने हस्बैंड अपने वाइफ को स्टॉकिंग पहनने के लिए बोलने वाले हैं? नहीं किया आज तक तो करके देखिए, इसे ही तो एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, और इसे ही तो कहते हैं अपनी सेक्स लाइफ को कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें करके स्पाइस अप करना। जितनी भी वाइफ है बेझिझक अपने हस्बैंड को बोले कि मुझे स्टॉकिंग्स लाके दो, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की, और नहीं लाके दे सकते तो मुझे पैसे दो, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। और जितने भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले कि इस बार जब करेंगे ना तो स्टॉकिंग में ही करेंगे, तो चल जा मार्केट से स्टॉकिंग खरीद के लेकर आ अपने लिए। अपनी लाइफ को थोड़ा स्पाइस अप करो, बहुत तरीके हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, फैंटेसी ऑफ स्टॉकिंग, स्टॉकिंग पहनने के पीछे किसी फीमेल की क्या मेंटालिटी होती है और जो मेल होते हैं वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आप भी मुझे अपनी तरफ से टॉपिक सजेस्ट कीजिए, ये मुझे हेल्प करेगा वीडियो बनाने में, एटलीस्ट मुझे भी तो पता लगे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझसे जानना क्या चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।